हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की आगामी परीक्षा 20 अगस्त को निर्धारित हो चुकी है, तो इस संदर्भ में बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं। और आपने यदि वीडियो क्लिक की है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि पीईटी क्लियर करने के बाद, उसमें एक स्कोर कार्ड बन जाने के बाद, जब लेखपाल की या अन्य वैकेंसीज आएंगी जिनको पीईटी मेंस के नाम से जाना जा रहा है, क्या उसमें ट्रिपल सी ज़रूरी है? दूसरी बात है, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट इससे पहले, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के आपके इस सफ़र में, इस 40 दिन के सफ़र में राम जी की पाठशाला आपके साथ बहुत उत्तम योगदान निभाने वाला है और बहुत सारी क्लासेस आपके लिए फ्री बिल्कुल चलने वाली हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। साथ में 40 दिन की बहुत ज़बरदस्त रणनीति मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करनी है लेखपाल में ट्रिपल सी ज़रूरी है क्या। देखो, सामान्यतः ये क्वेश्चन ये बना क्यों, क्वेश्चन बनने का रीज़न क्या है? यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी वैकेंसीज निकालती थी, सामान्यतः उनमें ट्रिपल सी मांगी जाती थी, सामान्यतः उनमें ट्रिपल सी मांगी जाती थी, चाहे आप कोई सी परीक्षा देख लो। बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, लेखपाल के लिए, पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं, जो लोग पुलिस वुलिस वगैरह में जा सकते वो लोग भी लेखपाल का वेट करते रहते हैं। तो आपको मैं बताऊँ कि अब से पहले जो भर्ती हुई थी लेखपाल की, वो 2015 में हुई थी और उसके बाद 2019 में फॉर्म आए थे, ये कंप्लीट हो गई थी, इसके फॉर्म आए थे। और इसमें क्योंकि ओबीसी कोटा नहीं था, ओबीसी के लिए सीट्स नहीं थी, इसलिए इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया और अब ये पीईटी होने के बाद आएगी, पैट होने के बाद आएगी। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि 2015 के लेखपाल परीक्षा में ट्रिपल सी नहीं मांगी गई थी, 2019 में जो आवेदन मांगे गए थे उसमें भी ट्रिपल सी नहीं मांगी गई थी। तो जब ट्रिपल सी मांगी ही नहीं गई है, तो ये बखेड़ा क्यों खड़ा कर रखा है लोगों ने कि ट्रिपल सी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका कारण यही है के अदर एग्ज़ाम्स में भी ट्रिपल सी मांगी गई है। तो इसके लिए सबसे अच्छा समाधान है, बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि खाऊं या ना खाऊं, मेरे पिताजी सुनाते हैं मुझे, खाऊं या ना खाऊं तो ना खाइए, खाऊं या ना खाऊं तो ना खाइए। क्योंकि अगर ये हो रहा है, खाऊं ना खाऊं तो ना खाइए, ना खाने से आपका उदर विकार नहीं होंगे और आपका पेट स्वस्थ रहेगा। और शौच जाने के बारे में बात आती है कि शौच जाऊं या ना जाऊं तो जाइए ज़रूर। तो जब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पता नहीं ट्रिपल सी मांगेगा कि नहीं मांगेगा, एक बात है अगर नहीं मांगेगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये सपोज करो कि यदि ट्रिपल सी मांग ली और पीईटी में आपका जो स्कोर है, पीईटी में जो आपका स्कोर है वो 90 प्लस बना हुआ है, बट आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, तो इसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए खाऊं या ना खाऊं तो खाओ। अभी देखो क्या है, आप सबको पता है कि पीईटी इसमें अगस्त में लिया जा रहा है और अक्टूबर के पास आपका क्या आने वाला है, मेंस के फॉर्म आएंगे। और मान लें कि उसमें ट्रिपल सी मांग लिया गया है, तब आप क्या करेंगे? तो इसमें सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप ट्रिपल सी कर लीजिए। ट्रिपल सी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बुक लगती है कोई, मैं बता दूंगा। मैं तो ऐसे ही दे के आया था, जब हम लोगों ने दिया था तो ऐसे ही दे के चले आए थे, पास हो गए थे, कोई मतलब ग्रेडिंग वेडिंग का सिस्टम रहता है, पर मेन चीज़ है आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए। हर महीने इसके फॉर्म निकलते हैं, उससे अगले महीने इसका एग्ज़ाम हो जाता है। जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उससे 2.5-3 महीने बाद सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, तो तत्काल आज ही या आज कल में ही आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर दीजिए और इसके एग्ज़ाम दे के पास हो जाइए, तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अब देखो, जो लड़के पीईटी 2021 को हल्के में ले रहे हैं, वो उसके आगे चाहे कितने पीईटी दें उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा। आपको पता है 2022 जो है
वो चुनावी वर्ष है, 2012 चुनावी वर्ष है, और कोई भी सरकार जब चुनाव लड़ने जाती है अगली बार के लिए तो वह अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहती है। तो SSSC ने, तो यूपी SSSC ने कोई ऐसी बड़ी भर्ती करी नहीं है, वीडियो की भर्ती हुई थी वो भी निरस्त हो गई, इसमें घोटाला हो गया। तो सरकार अब चाहेगी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दे, जिनमें PET के बाद लेखपाल के लगभग 8,000 पद, लिपिक यानी कि क्लर्क के या बाबू के 8,500 पद लगभग, परिवार कल्याण एवं बाल विकास विभाग में लगभग 13,000 पद, और अन्य विभागों को देखा जाए तो लगभग 3,000 पद हैं। कुल मिला के देखेंगे तो आप लगभग 30,000 प्लस पदों पर भर्ती निकलने वाली है। और मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ, ये PET 2021 के बाद ही आपको अवसर मिलेगा, उसके बाद ये अवसर आपको नहीं मिलने वाला है कि आप PET 6 महीने बाद होना है। सपोज करो दिसंबर या जनवरी में PET हुआ दोबारा से, तो फिर कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए यही 40 दिन, ये 40 दिन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हीं 40 दिनों में आपको जो करना है आप करिए, आप मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए और अपनी नौकरी को पक्का कीजिए। तो यही सब बातें हैं, ये मौका चूकना नहीं है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो, हिंदी वगैरह सब मैं अपडेट कर रखा है, और आपके लिए बहुत अच्छा है वो वीडियो, ज़रूर देखना। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जाके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसी अच्छी सलाह के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत।